आज हम लोग अंडा कड़ी बनाएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अंडा कड़ी का। तो पानी में आलू और अंडा दे दिए हैं उबलने के लिए, उबल रहा है। प्याज काट रहे हैं, प्याज मसाला इसका तैयार करने के लिए। तो प्याज देखिए काट लिए हैं, आलू उबल गया है। अब इसको बाहर निकालेंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ठंडा होगा फिर इसको छीलेंगे। तब देखिए अंडा का जो ऊपरी भाग मतलब छिलके हैं इसको निकाल रहे हैं। छिलके निकाल के अब उसको फ्राई करेंगे तेल में। अब फ्राई हो रहा है तो इसको थोड़ा चारों तरफ से इधर उधर से लगाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। देसी स्टाइल में बनाते हैं आज अंडा और आलू। तो अंडा फ्राई हो गया है लगभग में, कलर में आ गया है थोड़ा सा, देख सकते हैं आप। निकालेंगे तो इसको निकालने के बाद थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद प्याज, प्याज को बढ़िया से भूजेंगे। अब देख सकते हैं अच्छा तरह से भूजेंगे। अब नमक ताकि प्याज गले, प्याज अच्छा से भूजेंगे। अब इसमें थोड़ा डालेंगे हल्दी पाउडर और गुना मिर्च, मिर्च पाउडर, हल्दी डाल रहे हैं हम। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसको बढ़िया से पकाएंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन होगा उसके बाद लाल टमाटर छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। उसको अच्छा से मिलाएंगे, पकाएंगे। उसके बाद थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, उसको अच्छा से मिला के छोड़ देंगे पकने के लिए। प्याज गलेगा। अब आलू छिल रहे हैं, आलू का छिलका निकाल रहे हैं। आलू सारा छिला हुआ चले गया है, उसको देख कर कैसे उबल रहा है। अब आलू डालेंगे, प्याज गल गया है, उसको बढ़िया से मिलाएंगे। बढ़िया से झोलने के बाद थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इसको बढ़िया से पकने देंगे, थोड़ा अंडा डाल के फिर इसको मिलाएंगे। थोड़ा देर छोड़ देंगे इसको, फिर से इसको बढ़िया से झोलेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, जितना तड़ी रखना है अपने हिसाब से। तब हो गया, अब खोलेगा। अब अंडा कड़ी बन के रेडी हो गया है। देख सकते हैं।